नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर देश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में नगर काटा फोर्ड में पूर्व विधायक गणपत पटेल के निवास पर और नगर के महात्मा गांधी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पर पूर्व विधायक गणपत पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 सालों में हर वर्ग का सम्मान किया है और सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए प्रत्येक वर्ग का विकास किया है। यही कारण है कि मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। तीसरी बार शपथ पत्र तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय मोदी जी ने जो ली है वो पहले से निर्धारित थी, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल उनका जो है भारतवर्ष में सराहनीय रहा है। हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का उनने साफ नीति से पूरे देश में काम किया। जो उनका वायदा था सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, उसको उनने पूर्ण रूप से निभाया और उसी का ही आज ये परिणाम है जो मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे ने कहा कि आज का पल ऐतिहासिक है। हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देश भर में जश्न का माहौल है। यह भाजपा के विकास की जीत है, यह लोकतंत्र की जीत है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज देश में ऐतिहासिक दिन है। भारत की जनता ने तीसरी बार हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। देश की लोकतंत्र की जीत है, ये देश के जन मतदाताओं की जीत है। ऐसे राष्ट्रीय नेता को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करके विपक्षियों को निराशाई किया है। उनकी अफवाहों और उनके द्वारा भ्रमित किए जाने वाले षड्यंत्र को समाप्त किया है और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।